नमस्कार, मैं हूं आपके साथ खुशबू सिंह और आप देख रहे हैं युगचर्ण। तो चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। ईरान की शिया मस्जिद में पिछले साल अक्टूबर में हमला कराने वाले दो आतंकवादियों को शनिवार को सार्वजनिक फांसी दे दी गई है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक शिराज शहर में सुबह सुबह फांसी दी गई। सुनवाई के दौरान आरोपियों ने कबूल किया कि वो अफगानिस्तान में आतंकी संगठन ISIS के संपर्क में थे। उन्होंने शाह चिराग मस्जिद पर हमला करने में आतंकियों की मदद की थी। जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में अगले महीने होने वाले स्वतंत्रता दिवस के राज्य स्तरीय समारोह में इस बार भी लोगों को डॉग शो, हॉर्स राइडिंग, मेडल वितरण समेत अन्य कार्यक्रम देखने को नहीं मिलेंगे। कोविड के बाद से ये चौथा समारोह है और इस साल भी कार्यक्रम नहीं करवाए जाएंगे। समारोह की तैयारियों को लेकर के मुख्य सचिव उषा शर्मा की अध्यक्षता में हुई बैठक में निर्णय किया गया। मुख्य सचिव ने कहा कि इस वर्ष भी स्वतंत्रता दिवस समारोह परंपरागत रूप से राष्ट्रीय उत्सव के रूप में मनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि समारोह के सफल क्रियान्वयन के लिए सभी विभागों को उनकी जिम्मेदारी सौंप दी है। इसके साथ ही विभागीय प्रतिनिधियों से समारोह के बेहतर आयोजन के लिए सुझाव भी लिए हैं। जयपुर में 10 साल की बच्ची से छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। घर के बाहर खेलते समय आरोपी पड़ोसी उसे उठाकर ले गया, खुद के घर ले जाकर उसके साथ अश्लील हरकत की। रोते हुए घर लौटी मासूम ने परिजनों को आपबीती सुनाई। बच्ची से छेड़छाड़ का विरोध करने पहुंचे परिजनों से मारपीट की गई। खोन नागुरियान थाने में पीड़िता की मां ने FIR दर्ज करवाई है। मामले की जांच SHO सुधीर कुमार उपाध्याय कर रहे हैं। पाकिस्तानी एजेंट से खुफिया जानकारी शेयर करने वाले DRDO साइंटिस्ट प्रदीप कुलूरकर के खिलाफ पुणे की एक कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की गई है। प्रदीप को महाराष्ट्र के एंटी टेररिस्ट स्क्वाड ने पकड़ा है। साइंटिस्ट पर आरोप है कि उसने पाकिस्तानी एजेंट को ब्रह्मोसा और अग्नि जैसे इंडियन मिसाइल सिस्टम के बारे में जानकारी दी थी। प्रदीप कुलूरकर पुणे में एक DRDO में लैब का डायरेक्टर था। उसे 3 मई को ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया था। फिलहाल वो न्यायिक हिरासत में है। माइक्रोसॉफ्ट इंडिया के प्रेसिडेंट अनंत महेश्वरी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। कंपनी के एक स्पोक पर्सन ने इसकी पुष्टि की है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार महेश्वरी ने कंपनी के बाहर अपनी भूमिका निभाने के लिए माइक्रोसॉफ्ट को छोड़ने का फैसला किया है। माइक्रोसॉफ्ट के एक प्रवक्ता ने कहा कि हम भारत में हमारे व्यवसाय और संस्कृति में उनके कई योगदान के लिए अनंत को धन्यवाद देना चाहते हैं और उनके भविष्य के प्रयासों में उनकी हर सफलता की कामना करते हैं। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और अगर आप अपनी राय हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखकर कर सकते हैं।